सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों फ्रेश अपडेट्स को, और साइड में जो घंटी है वो भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं अपलोड करूँ आपके मोबाइल में तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फ्रेश अपडेट्स। मैं हूं सोम और आप लोग को फिर से स्वागत करता हूं मेरे चैनल फ्रेश अपडेट्स में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे रिलायंस जियो की जो धनधनाधन ऑफर है वो जब से रिलीज हुआ है अलग जो ऑपरेटर्स है जैसे कि एयरटेल हो, वोडाफोन, आइडिया, BSNL सब जो है सिमिलर ऑफर पेश कर रहे हैं आप लोग के सामने, ताकि वो आपको लूज ना करे, आप उन लोग की सर्विस के साथ स्टिक कर जाए। तो दोस्तों इसके कारण से बहुत सारा कन्फ्यूजन स्टार्ट हुआ है, एक वार जैसा स्टार्ट हो गया जो कि कोल्ड वार कहा जा सकता है, डेटा वार, जिसके बारे में मैं आप लोग के साथ बात करूंगा। तो जियो धनधनाधन ऑफर जो लॉन्च किया था, आप लोग को तो पता ही है जियो समर सरप्राइज ऑफर जो था वो खत्म होने के बाद ही ये जो है जियो धनधनाधन ऑफर जो स्टार्ट कर दिया, जो कि ट्राई के कारण ये जियो धनधनाधन ऑफर लीगल तरीके से जियो ने जो है वो पेश किया है। तो दोस्तों जियो धनधनाधन ऑफर के बीच में मैं बोलना चाहता हूँ ये क्या आप लोग को देगा और कितने कितने प्राइस में ये आता है। तो दोस्तों 309 का अगर आप रिचार्ज करते हैं तो आप लोग को 1 GB की 4G डेटा पर डे मिलेगी पूरे 84 डेज तक। तो आप अगर 28 डेज को देखते हैं तो 28 डेज 3 बार होगा, जैसे 3 महीने आपको फ्री मिलेगा। तो आपको सिर्फ पे करना पड़ेगा 309 रुपये। तो अगर आप बात करें 509 रुपये की, तो वहाँ पे आपको 2 GB की 4G डेटा पर डे मिलेगी जिसकी भी वैलिडिटी सेम है 84 डेज की। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपको फुल वॉइस जो है जहाँ पर भी आप कॉल करें ऑल ओवर इंडिया आप पूरा फ्री कर सकते हैं, मैसेज भी वहाँ पे फ्री है, और आप जो जियो की ऐप से वो सब फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं, आप अगर प्राइम मेंबर नहीं है और अगर आप चाहते हैं कि एक नया सिम खरीदूँ, तो आप लोग को 408 पे करना पड़ेगा दोस्तों। 99 जो है वो प्राइम मेंबरशिप का चार्ज है और 309 जो है वो तो जियो धनधनाधन ऑफर का वो पर डे 1 GB वाला ऑफर है। तो दोस्तों इसके कारण आपको टोटल जो है 309 प्लस 99 आपको 408 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, जिसपे आपको मिलेगा 1 GB 4G डाटा प्रतिदिन 84 डेज तक। उसके बाद जो चाहते हैं 509 का रिचार्ज करें, उन लोग को टोटल रिचार्ज जो है 608 का करवाना पड़ेगा, ताकि उन लोग को सेम बेनिफिट मिले जो कि 509 के रिचार्ज करने से मिलता है सबको, जो कि 2 GB डेटा पर डे तक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो लिमिटेशन था वो 15 अप्रैल तक था। आप लोग अगर चाहते थे तो जियो धनधनाधन ऑफर रिचार्ज कर सकते थे, तो अभी आप लोग नहीं कर सकते इसको। तो यहाँ पे दोस्तों अगला आता है एयरटेल। तो एयरटेल जो है यहाँ पर 244, 399 और 345 का ऑफर लाए। मेरे मोबाइल में तो 499 का भी ऑफर दिया गया है दोस्तों। तो फॉलो करें तो रिलायंस जियो धनधनाधन ऑफर जब रिलीज़ हुआ उसके नेक्स्ट दिन ही जो है एयरटेल ने लॉन्च कर दिया ऐसा ऑफर। तो इसके अंदर आपको क्या मिलता है, अगर 244 प्लान की बात करें तो एयरटेल आपको फ्री अनलिमिटेड कॉल ऑफर करता है, जिसकी लोकल प्लस STD एयरटेल कॉल जहाँ भी कर सकते हैं आप, और आपको 1 GB पर डे की डेटा मिलती है पूरे 70 डेज के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपको डेली कैप मिलेगा एक कॉल करने के लिए, जो कि 300 मिनट्स ऑफ कॉल पर डे, और अगर आप वीकली देखें तो होल वीक में आप टोटल 1200 मिनट्स ही कॉल कर सकेंगे। उसके बाद अगर आप कॉल करते हैं तो 10 पैसा पर मिनट जाएगा। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं 399 प्लान की, तो 399 प्लान के अंदर आपको 1 GB की 4G डेटा मिलती है पर डे आपको, और 70 डेज की वैलिडिटी के साथ ये आता है, और यहाँ पे आपको लोकल प्लस STD जितने भी कॉल से अदर नेटवर्क पे वो बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है 345 का पैक, उसके बारे में मैं आप लोग को बता देता हूँ। यहाँ पे आपको 2 GB डेटा 28 डेज के लिए ऑफर करता है, जैसे कि आपको पहले 1 GB डेटा प्रीवियसली मिलता था, अभी 2 GB मिलेगा, और उसके साथ आपको अनलिमिटेड लोकल और STD कॉल जो है वो मिलेगा। तो दोस्तों वोडाफोन की ओर बढ़ते हैं, तो वोडाफोन निकाला है 352 रुपीज़ का प्लान। तो यहाँ पर जो है 352 रुपीज़ का प्लान, इसके बारे में मैं आप लोग को बता देता हूँ, जो कि आप लोग को देता है 1 GB पर डे की डेटा, उसके साथ ही साथ आपको लोकल प्लस STD कॉल्स मिलेगी पूरे 56 डेज के लिए। तो 2 महीने मतलब 28 डेज का महीना उन लोग पकड़ रहे हैं, तो 2 महीने का ऑफर इन लोग दे रहे हैं, और यहाँ पे आपको कोई फ्री SMS नहीं मिलेगा इसके साथ। तो ये जो है ऑफर किसी चुनिंदा कस्टमर्स के लिए ही बनाया गया है। उसके बाद आता है दोस्तों आइडिया का जो है रिचार्ज, वो है 297 और 447 का रिचार्ज, जहाँ पर आइडिया वोडाफोन मर्ज होने वाला था, जो कि रियलिटी होगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन एयरटेल जब निकाला है एक ऑफर तब वोडाफोन जो है वो भी इस तरीके से अपना टर्न चला दिया। उसके बाद आइडिया जो है वो भी इंट्रोड्यूस कर दिया एक नया प्लान जो कि 297 रुपीज़ का है, और एक प्लान है जो कि 447 रुपीज़ का है। तो दोस्तों 297 प्लान जो है यहाँ पे आपको 1 GB की डेटा मिलती है, 4G डेटा, आपको 4G हैंडसेट होना एकदम ज़रूरी है, और प्रतिदिन आपको
1 GB की डेटा मिलेगा और वहाँ पे आइडिया टू आइडिया अनलिमिटेड कॉल्स की फैसिलिटी भी मिलेगी पूरे 70 डेज तक। दोस्तों यहाँ पे एक कैच है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पे डेली आपको 300 मिनट्स का कॉलिंग रेस्ट्रिक्शन है और आपको वीकली लिमिट जो है वो 1200 मिनट्स की रेस्ट्रिक्शन है। आइडिया सेलुलर जो है वो और एक प्लान निकाला है जो कि 447 रुपीज़ का है, जहाँ पर आप लोग अनलिमिटेड कॉल्स एंजॉय कर सकते हैं लोकल प्लस एसटीडी किसी भी नेटवर्क पर। वहाँ पे आपको फ्री एसएमएस का भी फैसिलिटी मिलता है और पूरे 70 डेज तक ये चलेगा। तो दोस्तों जो कैप है यहाँ पे, कैप कॉलिंग का कैप यहाँ पर 3000 मिनट्स का कैप है, जो कि पूरे 70 डेज पीरियड के अंदर 3000 मिनट्स अगर ख़त्म हो गया उसके बाद आपका एक को चार्ज है वो चार्ज कटेगा। BSNL ने निकाला है 339 और 249 जो कि ब्रॉडबैंड प्लान है। तो आप लोग तो 339 के बारे में सुने ही है, 339 28 डेज़ की वैलिडिटी के साथ आता है। तो यहाँ पर आपको 2 GB की डेटा पर डे मिलती थी, वहाँ पर वैसा ऑफ़र था। तो ये ऑफ़र जो है ये लिमिट कर दिया गया 90 डेज तक, जो कि मिड मार्च तक होगा, उसके बाद आपको शायद 339 का ऑफ़र नहीं मिलेगा। और दूसरी तरफ की बात करें तो यहाँ पर 249 का एक प्लान है जो कि BSNL की जो ब्रॉडबैंड कस्टमर्स है उन लोगों के लिए है। वो अभी 300 GB की डेटा उन लोग पाएंगे वहाँ पर, और स्पीड जो है वो 2 Mbps की रहेगी 1 GB पर डे, और उसके बाद जो है आपकी स्पीड 1 Mbps तक हो जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को डेली जो है 10 GB की डेटा मिलती है पूरे 28 डेज़ की वैलिडिटी के साथ। तो दोस्तों अगर आप ब्रॉडबैंड यूज़र है तो ज़रूर से ये प्लान पे स्विच कर दीजिएगा, ये बहुत ही अच्छा प्लान है। कभी ऐसा BSNL ने दिया नहीं था, 10 GB पर डे ऐसा कोई देता नहीं है। तो दोस्तों सब देखने के बाद एक कंक्लूजन में आ गए कि यहाँ पर जो जियो ऑफ़र है, जियो धनधनाधन ऑफ़र, यहाँ पर आपको 84 GB की डेटा मिल जाए, कोई ऑपरेटर आपको ऐसा ऑफ़र नहीं दे रहा है। उसके साथ आपको जो है अदर सर्विसेज भी फ्री है, कॉलिंग फ्री है, डेटा 1 GB पर डे। तो ये बहुत ही अच्छा प्लान है दोस्तों, आप अगर ये रिचार्ज करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो 349 जो प्लान है एयरटेल का, 345 जो प्लान है और 399 जो प्लान है, ये दो प्लान भी ख़राब नहीं है दोस्तों, आप लोग कर सकते हैं। अगर आप कॉलिंग का लिमिट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको, तो आप लोग जरूर से 399 प्लान के साथ जा सकते हैं। उसके बाद BSNL का 249 जो ऑफ़र है, अगर आप ब्रॉडबैंड कस्टमर बनना चाहते हैं तो ज़रूर से ये ले लीजिए, ये बहुत एक्सक्लूसिव और बहुत अच्छा ऑफ़र है ये मेरे हिसाब से। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो था ये आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो जरूर से लाइक ठोक दीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। और थैंक यू वंस अगेन फॉर व्यूइंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, हेड स्टे अलर्ट, स्टे सेफ, सी या, बाय बाय। I'm gonna be a